गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू नो वी आर रीडिंग आवर फिफ्थ चैप्टर लास्ट डे इन विच आई हैड एक्सप्लेन यू लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस एंड लिविंग थिंग्स गिव आउट वेस्ट। इट मीन्स लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस का प्रोसेस करती हैं एंड लिविंग थिंग्स अपनी बॉडी में से जो है वो वेस्ट को बाहर निकालती है। तो इस तरह से हमने ये दो पॉइंट्स को रीड किया था। नाउ टूडे आई विल डिस्कस आवर न्यू पॉइंट, डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। इट मीन्स लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में जो डिफरेंसेस हैं हम उसे आज रीड करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। द डिफरेंसेस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर लिस्टेड इन द टेबल। देखो जो डिफरेंस है लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स में उसको लिस्टेड किया हुआ है, टेबल दी हुई है यहाँ पे हमें, जिसमें लिविंग थिंग्स के प्रोसेस दिए हुए हैं एंड नॉन लिविंग थिंग्स के भी वर्क दिए हुए हैं, दोनों के वर्क दिए हुए हैं जिनमें हमें डिफरेंस बताना है। सो फर्स्ट इज मूव ऑन देयर ओन। लिविंग थिंग्स क्या करती हैं? मूव ऑन देयर ओन, यानी वो खुद ही मूव करती हैं। एंड नॉन लिविंग थिंग क्या करती है? डू नॉट मूव ऑन देयर ओन, वो खुद मूव नहीं करती है। हमने रीड किया था ना, लिविंग थिंग्स मूव, मतलब लिविंग थिंग्स मूव करती हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो खुद से खुद मूव नहीं करती हैं। लिविंग थिंग्स जो है नीड फूड टू लिव एंड ग्रो। लिविंग थिंग्स जो होती है वो नीड, उनको फूड की नीड होती है। किस लिए होती है? लिव एंड ग्रो करने के लिए, जीने के लिए और ग्रो करने के लिए उन्हें फूड की नीड होती है। बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट नीड फूड। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें फूड की नीड नहीं होती, वो ग्रो नहीं करती हैं, लीव नहीं करती हैं, इसलिए उन्हें फूड की नीड भी नहीं होती है। लिविंग थिंग्स ब्रीथ। लिविंग थिंग्स ब्रीथ करती हैं, सांस लेती हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ब्रीथ। लिविंग थिंग जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो ब्रीथ भी नहीं करती हैं। लिविंग थिंग्स फील चेंजेस अराउंड देम। लिविंग थिंग्स जो होती हैं उन्हें अपने चारों ओर जो भी चेंजेस होते हैं वो फील होते हैं। इट मीन्स लिविंग थिंग्स को फील होता है, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट फील चेंजेस अराउंड देम। जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं उन्हें अपने चारों ओर जो चेंजेस होते हैं वो फील नहीं होते हैं। लिविंग थिंग्स ग्रो ओल्ड एंड डाई। लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो ग्रो ओल्ड, वो ओल्ड तक ग्रो होती है, मतलब वो बहुत टाइम तक ग्रो करती रहती हैं एंड डाई, और फिर उसके बाद वो डाई हो जाती है, मर जाती हैं। नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट ग्रो, और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती हैं? ग्रो नहीं करती हैं। लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस बेबीज। लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस का प्रोसेस करती हैं जिससे बेबीज को प्रोड्यूस करती हैं, बट नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट प्रोड्यूस बेबीज। बट नॉन लिविंग थिंग्स के बेबीज प्रोड्यूस नहीं होते, वो रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं करती हैं। लिविंग थिंग्स गिव आउट वेस्ट। लिविंग थिंग्स जो हैं वो वेस्ट को बाहर निकालती हैं अपनी बॉडी से, बाहर मतलब वेस्ट बाहर निकालती हैं, गिव आउट करती हैं। एंड नॉन लिविंग थिंग्स डू नॉट गिव आउट वेस्ट, और जो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं वो वेस्ट को बाहर नहीं निकालती हैं। ओके, तो इस तरह से लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग के बीच हमने जो डिफरेंसेस हैं वो रीड किए। तो आपको अच्छे से डिस्क्राइब हो चुका होगा कि लिविंग थिंग्स क्या क्या वर्क होते हैं लिविंग थिंग्स के, और नॉन लिविंग थिंग्स के क्या वर्क नहीं करती हैं। मीन्स जो लिविंग थिंग्स वर्क करती हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स नहीं करती है। तो इस तरह से इनके बीच में ये डिफरेंसेस हमने रीड किए। नाउ आवर नेक्स्ट पॉइंट, डिफरेंसेस बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स। प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में डिफरेंसेस हमें बताने हैं। तो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर लिविंग थिंग्स। अब देखो हम जानते हैं प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो क्या है? लिविंग थिंग्स हैं। दे आर डिफरेंट इन मैनी वेज। ये बहुत अलग अलग तरीकों से एक दूसरे से डिफरेंट भी हैं, हम सब जानते हैं। प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग थिंग्स हैं, ये तो हमने पूरे चैप्टर में रीड किया, और ये अपने अपने तरीके से बहुत अलग हैं दोनों एक दूसरे से। द फॉलोइंग टेबल शोज द डिफरेंस बिटवीन देम। अब यहाँ पे एक टेबल दी हुई है, जिस टेबल में हमें बताया हुआ है कि प्लांट्स और एनिमल्स जो हैं वो आपस में डिफरेंस कैसे रखते हैं। सो फर्स्ट फीचर इज मूवमेंट। देखो मूवमेंट में हम डिस्क्राइब करेंगे कि प्लांट्स और एनिमल का मूवमेंट जो होता है वो अलग अलग कैसे है। सो प्लांट्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्टली डू नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। प्लांट्स जो हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर नहीं मूव करते हैं। आप सब देखते होंगे प्लांट्स जो हैं वो एक ही जगह पे होते हैं,
बट एनिमल्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर, बट जो एनिमल्स होते हैं वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर चले जाते हैं, मूव करते हैं। तो इस तरह से इन दोनों में मूवमेंट का डिफरेंस है। नेक्स्ट फीचर आता है ईटिंग। ईटिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स में? देखो, प्लांट्स मेक देयर ओन फूड। प्लांट्स क्या करते हैं, उनका खुद का फूड वो खुद बनाते हैं। बट एनिमल्स ईट प्लांट्स एंड अदर एनिमल्स। जो एनिमल्स हैं वो खुद का प्लांट्स, वो खुद प्लांट्स और एनिमल्स को खाते हैं, या तो वो प्लांट्स को लेते हैं या अदर एनिमल्स को अपने फूड में लेते हैं। तो इस तरह से वो खुद फूड नहीं बनाते हैं बल्कि प्लांट्स और अदर एनिमल्स पर डिपेंड होते हैं। नाउ थर्ड फीचर, ब्रीथिंग। अब देखो, हम देखेंगे कि प्लांट्स और एनिमल जो हैं वो ब्रीथिंग में कैसे डिफरेंस रखते हैं। प्लांट्स ब्रीथ थ्रू पोर्स इन लीव्स। प्लांट्स जो हैं वो ब्रीथ करते हैं किसकी हेल्प से? उनकी लीव्स में जो टाइनी पोर्स होते हैं उनकी हेल्प से वो ब्रीथ करते हैं। और एनिमल्स जो होते हैं ब्रीथ थ्रू डिफरेंट ऑर्गन्स सच एज लंग्स, गिल्स एंड होल्स। जो एनिमल्स होते हैं वो उनके अलग अलग ऑर्गन्स से ब्रीथ करते हैं, लाइक लंग्स से, गिल्स से एंड होल्स से। बहुत से एनिमल्स में लंग्स होते हैं जिससे वो ब्रीथ करते हैं। फिश जो होती हैं, जो वाटर में रहने वाले एनिमल्स होते हैं एक्वा एनिमल्स, वो सारे उनके सबके पास होते हैं गिल्स। फिश में गिल्स होते हैं जिससे वो क्या करते हैं, ब्रीथ कर पाते हैं। और इंसेक्ट्स जो होते हैं उनकी बॉडी में होल्स होते हैं जिससे वो ब्रीथ करते हैं। नाउ नेक्स्ट फीचर इज फीलिंग। फीलिंग वाले में कैसे डिफरेंस रखते हैं प्लांट्स एंड एनिमल्स? देखो, प्लांट्स जो हैं वेरी वीक एबिलिटी टू फील। प्लांट्स में बहुत कम एबिलिटी होती है फील करने की, होती है बट बहुत ही कम होती है। एंड एनिमल्स स्ट्रॉन्ग एबिलिटी टू फील। और जो एनिमल्स होते हैं उनकी एबिलिटी जो होती है फीलिंग वाली वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होती है। वो बहुत ज़्यादा बहुत जल्दी फील कर लेते हैं अपने आसपास जो चेंजेस होते हैं उनको। नाउ नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन। रिप्रोड्यूस थ्रू सीड्स एंड अदर पार्ट्स। जो प्लांट्स होते हैं वो कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? उनके बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे सीड्स हैं या उनके रूट्स होती हैं। तो इन सब से वो क्या करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं, नया प्लांट उनके प्रोड्यूस होता है। एंड एनिमल्स रिप्रोड्यूस बाय गिविंग बर्थ टू बेबीज और बाय लेइंग एग्स। और जो एनिमल्स होते हैं वो किस तरह से रिप्रोड्यूस करते हैं, बर्थ देते हैं बेबीज को। तो कुछ तो क्या करते हैं, डायरेक्टली बेबीज को बर्थ देते हैं, बेबीज को प्रोड्यूस करते हैं। और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो पहले एग्स देते हैं एंड देन उनका यंग बेबी उस एग में से हैच आउट होता है, बाहर निकलता है उस एग को ब्रेक करके। तो इस तरह से रिप्रोड्यूस का प्रोडक्ट जो एनिमल्स होते हैं वो रिप्रोड्यूस जो करते हैं अलग अलग प्रोसेस से भी करते हैं। सो हमने डिफरेंस पढ़ लिया प्लांट्स एंड एनिमल्स में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, हमें अच्छे से समझ आ गया होगा। एंड इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन यू कैन आस्क मी, यू कैन मैसेज मी। एंड अब इस ये चैप्टर हमारा यहाँ फिनिश हो गया है। सो इसकी एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में रीड करेंगे। ओके, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।